जो पेशेंट्स को इतनी सारी तकलीफें हो रही है, इतनी सारी डेथ्स हो रही है, उसकी वजह क्या है? तो हमने तीन पॉइंट्स इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर, और इसके लिए मैंने खुद ने पैरवी की है, आर्ग्यूमेंट और प्लीडिंग जो है मैंने खुद ने कोर्ट के सामने किया, और कोर्ट को हमने ये बताया है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो वैकेंसीज की है, जो कई सालों से पोस्ट खाली पड़े हुए हैं सरकारी अस्पतालों के अंदर, उसकी प्रमुख वजह है। दूसरा यह है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और तीसरा जो मुद्दा था वो MJPJY का, कि महात्मा ज्योतिबा फुले एक स्कीम जो है वो सबके ऊपर लागू नहीं हो रही, लेकिन चूंकि उसके पिटीशन सेपरेट एक पिटीशन फाइल किया गया था, तो उस बारे में हमने ज्यादा चर्चा ना करते हुए हमने दो इश्यूज के ऊपर फोकस किया। उसके अंदर वैकेंसीज के ताल्लुक से अदालत ने बहुत ही गंभीर रूप इख्तियार करते हुए आज सुबह जब हियरिंग हुई तो अदालत ने यही पूछा कि आप ये वैकेंसीज कब भरने वाले हैं, इसका जवाब दीजिएगा। तो सरकार के वकील के पास कोई जवाब नहीं था, तो कोर्ट ने उसकी गंभीर दखल देते हुए उन्होंने कहा कि हम 4:30 बजे दोबारा बैठेंगे, और उसमें हमको है तो एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बताइए। क्योंकि मैंने अदालत से यही दरखास्त किया था कि ये जो वैकेंसीज है इसके ताल्लुक से 2020 जून को एक GR निकाला गया था, और सरकार ने कहा कि 100% पोस्ट पूरी भरने वाले हैं। फिर 6 महीने के बाद नवंबर में कैबिनेट की मीटिंग होती है, और उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये बताया जाता है कि नहीं, हम सिर्फ 50% सीट्स भरेंगे। फिर उसके बाद जो है कल के दिन आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब का बयान आता है कि नहीं, हम 100% पूरे के पूरे पोस्ट भर देंगे। तो इन्हीं के बातों के अंदर कहीं पर भी एक स्टेबिलिटी नहीं थी, कॉन्ट्राडिक्शंस थे। तो अदालत ने इसकी गंभीर दखल लिया, और 4:30 बजे जब सरकारी वकील आए तो सरकारी वकील ने ये बताया कि हमको ये आदेश मिला है सरकार की तरफ से कि हम 3 महीने के अंदर ये पूरे पोस्ट नहीं बल्कि 50% पोस्ट हम भरेंगे। तो अदालत ने उनसे ये सवाल किया कि 3 महीने का समय का मतलब ये है कि क्या आप तीसरे वेव का इंतजार कर रहे हैं कि तीसरी वेव आएगी, और इतना वक्त क्यों लग रहा है करके। तो अदालत ने अपने तौर के ऊपर जब हमने विनती की कि टाइम बाउंड प्रोग्राम आप सरकार को निर्देश करें कि कितने पीरियड के अंदर ये होना चाहिए, तो अदालत ने हुक्म दिया कि 1 हफ्ते के अंदर इसकी प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए वैकेंसीज भरने की, और 6 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच में, यानी कि 2 महीने मैक्सिमम के अंदर ये पूरे के पूरे जितने भी पोस्ट हैं, 2000 से ज़्यादा पोस्ट जो औरंगाबाद के घाटी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग और ग्रामीण इलाकों के जिला परिषद के जो हॉस्पिटल्स हैं, इनके जो पोस्ट हैं, ये 2 महीने के अंदर पूरी तरीके से भरने का आदेश अदालत ने।